श्री भिखारी भोजपुरी के देवता राउर पूजा हम हरदम करीला। देखा से का कहे हम तो दगे दंग हो गए कि कहाँ रहन या कहाँ चल गए। ऐसे हम कुछ खुशी के हमारे कहाँ तो रही का हम कैलिए अब कहाँ चल गए। हम सोचत नहीं अपने कहे के का बा गाना बजाना करीला दूसर का। ये है रामचंद्र मांझी जिन्हें 95 साल की उम्र में पद्मश्री सम्मान मिल रहा है। 10 साल की उम्र में भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की टोली में शामिल हुए। रामचंद्र मांझी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो काम उन्होंने कभी मजबूरी में शुरू किया था उसके लिए उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा जाएगा। रामचंद्र मांझी को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए सम्मान मिला है। भिखारी ठाकुर की टोली में ही मांझी ने नाट्य कला और लौंडा नाच सीखा। जब उनसे सवाल किए गए कि क्या कभी आपको अपने काम को लेकर विरोध झेलना पड़ा तो जरा सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जब ये काम रुआ शुरू करनी तो समाज में तो बड़ा विरोध भइल रहौर ना, मतलब लोग गांव के लोग कुछ ना कहे कि भाई ना ना सब अब केहू ने खे रहत लड़का न केहू ने खे दे ओ गरीब भूखमरी रहे केहू लड़का दे दे नाचबे अपन नाचे गावे खाए पकावे। अब केहू ने खेन दे पढ़े लिखे सरकार व्यवस्था कर दिलक कपड़ा के खाए के। तो हमनी का उस युग में हमनी के बारी जे ओ घड़ी बड़ी दुख रहे तब कपड़ा के खाना के दुख रहे ओ घड़ी। रामचंद्र मांझी के बारे में एक और बात खास है और वो ये है कि वो भिखारी ठाकुर की लौंडा नाच वाली टोली के आखिरी शख्स हैं जो जिंदा है। साल 2018 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से भी नवाजा गया था, लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें गरीबी से जूझना पड़ रहा है। उनकी मांग है कि सरकार उनका घर पूरा करवा दे। डिमांड बा कि कमाई नहीं खैली अब सरकार हमारे के घर बना दे लड़का पढ़त के धरा दे कहन सबके दादा लगे धरा दिलन कहाँ ये तो चाहता जी हम का कौन। अच्छा आपके घर में क्या क्या कमी है जो आप चाहते हैं कि सरकार पूरा कर दे? कमी का बा हमारा सब भरल बा आ कुछ नहीं थी समझी कमाई ली जाए बाजार किन के लिए बनाए खाए फिर बिहान कैसा ये तो बात। जैसे घर का शौचालय का सब का आपको परेशानी है क्या? शौचालय कहाँ बा नहीं खे बनल ना। रामचंद्र मांझी के घर वालों को अपने बूढ़े पिता और बाबा पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है कितना खुशी है परिवार में सब? हाँ सब लोग को खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है और बहुत ज्यादा प्राउड भी फील कर रहे हैं। मतलब उम्मीद था कि दादाजी को इस तरह का इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा? नहीं अभी उम्मीद तो नहीं था कि इतना बड़ा पुरस्कार बाबा को मिलेगा, लेकिन मतलब कि धीरे धीरे 17 से स्टार्टिंग था ये सब प्रोसेस। मतलब हर नेट पे या फिर टीवी में न्यूज में दिखाते थे और यूट्यूब पे भिखारी ठाकुर के बारे में बताते थे, तो ये सब देखकर अच्छा लगता था कि चलो बाबा को मतलब कि इतना ज़्यादा बाबा को फेमस कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है, प्राउडली फील कर रहे हैं, लेकिन पहले नहीं लगता था। पहले लोग दूसरी नज़रिए से देखते थे, लेकिन अब लोगों को लगता है कि हाँ दादा कुछ है। तो लोगों के प्रति रवैया थोड़ा बदल रहा है देखने का। हमारे पास पड़ोस के लोग भी मतलब अच्छा नहीं देखते थे इस चीज़ को लेकर, इतना कुछ ज़्यादा बस ऐसे कह देते हैं हाँ है जाते हैं नाचने जा रहे हैं ये है वो है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, मैं चलो कोई नहीं इनका शौक है इनका पैशन है तो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, तो इस वजह से हम कर रहे हैं वो। जब से रामचंद्र मांझी को पद्मश्री मिलने की घोषणा हुई है उनसे मिलने लोगों का तांता लगा हुआ है और सारण जिले के डीएम नीलेश रामचंद्र देवरे भी उनसे मिलने उनके घर पहुँच गए। श्री रामचंद्र मांझी जी स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जो भोजपुरी के शेक्सपियर माने जाते थे उनके सहयोगी रहे। आज कल शाम में उनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है रामचंद्र मांझी जी को और ये पूरे बिहार के लिए और सारण ज़िले के लिए गौरव की बात है और बिहार सरकार के लिए भी गौरव की बात है कि भोजपुरी में जो मेन हम लोग का आर्ट और थिएटर है उसमें बड़े कलाकार को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री दिया जाना ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ का जो भोजपुरी कल्चर है और जो कला के प्रेमी लोग हैं उसमें उसे बढ़ावा मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से मैं यहाँ पे आज श्री रामचंद्र मांझी जी को बधाई देने के लिए आया था और मुझे इनसे मिलके और इनका कला के बारे में जानकारी लेके मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इनको पद्मश्री पुरस्कार मिलने के बाद यहाँ पे छपरा ज़िले में और पूरे बिहार में भी इसके प्रति और लोगों का रुझान बढ़ेगा और हम लोगों का मेन आर्ट फॉर्म है और फोक सॉन्ग्स है इसमें रुचि लोगों की बढ़ेगी, यही आशा में व्यक्त है। कुछ बेसिक नीड्स इनकी डिमांड है इनको कि कुछ नहीं, वो देखेंगे, वो हर चीज़ देखेंगे हम और जो भी सरकार के नियम संगत होगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। नियम से हटके भी कुछ करना होगा तो वो भी करेंगे। भोजपुरी नाट्य कला से जुड़े रामचंद्र मांझी को पद्मश्री मिलने पर आज पूरा बिहार खुशी से झूम रहा है। उनकी कला को पहचान मिलने पर गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन उनकी कला को सबसे बड़ा सम्मान तब मिलेगा जब भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा। ये थी छपरा से आलोक कुमार जैसवाल की रिपोर्ट।